क्राइम ब्रांच ने वन विभाग की मदद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया जो दुर्लभ प्रजाति का दो मुआ सांप तस्करी कर इंदौर लाया था और उससे बेचने की फिराक में घूम रहा था। आरोपी के पास से जो सांप बरामद हुआ है उसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करोड़ों में है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शुक्लिया क्षेत्र में एक युवक दुर्लभ प्रजाति का सांप बेचने के लिए घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर युवक को पकड़ा और उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना नाम गौरव श्रीवास्तव बताया। पुलिस ने तलाशी में आरोपी के पास से रेंड सेंड बोआ दुर्लभ प्रजाति का सांप बरामद किया। पकड़ा गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि सांप की तस्करी नेपाल, इंडोनेशिया, ताइवान, मलेशिया सहित अरब देशों में की जाती है, जिसका उपयोग कई घातक बीमारियों की दवाइयाँ बनाने में होता है। साथ ही जादू टोने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिलहाल यह आरोपी इंदौर में किसी व्यक्ति से 5 लाख रुपए में सौदा होने की बात कर रहा है। इसमें आरोपी को 50,000 रुपए का कमीशन मिलने वाला था। बरामद हुए दो मुहा सांप का वजन अधिक होने से इसकी कीमत बढ़ जाती है। बरामद हुए सांप का वजन लगभग 3 किलो 50 ग्राम है। वो लंबाई 56 इंच है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करोड़ों में है। फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ कर रही कि वह सांप किसको बेचने आया था। वहीं वन विभाग ने भी वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लाया कौन? तू लाया था कहाँ से? राठी जी के पास। राठी जी के पास? राठी जी कहाँ से लाया थे वो नहीं बता गया। तो किस पार्टी को देने आया था? धीरज मिश्रा। कहाँ से? क्या करते क्या इसका? ये सांप का होता क्या? वो लेके चले जाएगा, मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। काम तो राठी जी से कैसे मिला तू? ये जादू वाली क्या काम आता है ना? तेरी क्या लिंक थी? कजराने का अजय नगर का कहाँ का है? कितने में सौदा हुआ था? तुमको कितना मिलना? कितने में? कितने पैसे मिलना है? कितने सौदे? कितने रुपये की बात हुई थी सौदे की? कितने लाख रुपये? मुझे तो 50,000 मिलने वाले थे सौदे, कितने का भी सुना मैं लिया तब दिखाने के लिए लेके आया था। और किसको देना था यहाँ पे? लाइब्रेंस को आया था, उनको लगाया था मुझे। अजय जी कस्टमर बने होंगे। तुम इसके पहले भी लेके घूमते थे क्या? नहीं। तो राठी जी के संपर्क में कैसे आए? सर किसी के थ्रू, किसी ने बताया था, उनके पास देख हो जाते हैं। कितने में सौदा कर रहे थे? 5 लाख रुपए। कोई पार्टी थी? राठी जी कहाँ रहते हैं? पूरा नाम क्या? राठी जी? राठी जी पता नहीं। कैसे जानते हो आप? किसे टच में? किसी पार्टी मतलब किसी दोस्त के यार ने बताया था, देखना हो। कोई विजय करके है, पढ़े कहाँ तक? 12वीं तक। पहले लाएगा कभी? ये मिला ना। तुमको कितने मिलने वाले थे अब ये बताओ? मेरे को 50,000। 50,000 मिल गया। राठी कहाँ रहता है? मलागढ़ में। मलागढ़ में कहाँ रहता है राठी? वही मलागढ़ थाने के पीछे। मलागढ़ थाने के। कब से था इनके पास ये? हाँ कब से? किस तरह की कार्रवाई की गई है? ये वन्य प्राणियों की तस्करी के संबंध में एक ये मुखबिरी मिली थी कि रेड सैंड बोआ, जो दोमुहा सांप जिसको लोकल भाषा में कहते हैं, उसके संबंध में कोई डीलिंग कर रहा है कोई व्यक्ति इंदौर में। तो उस पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए एक आदमी को पकड़ा और उसके पास ही ये जो रेड सैंड बोआ है उसको बरामद किया है। और मुख्यतः ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ये तस्करी के लिए प्रयोग होता है। जिस आदमी को पकड़ा है उसका नाम गौरव श्रीवास्तव है, जो कि यहाँ इंदौर में रहता है परंतु मूलतः शाजापुर का रहने वाला है। और ये लगभग इसमें जो उसका वजन है इस सांप का वो 2.5 किलो करीबन है। और मुख्यतः इसकी तस्करी जो है वो नेपाल, ताइवान और मतलब ये मुंबई के रास्ते और इन सब जगहों से इसकी होती है। और अपेरेंटली इसका ये समझा जाता है कि इसका किसी प्रकार की दवाओं में प्रयोग होता है, परंतु ये एक से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ ही इसका काफ़ी ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ा चढ़ा करके लगभग जो लाखों करोड़ों में भी कई बार जाती है। तो इस तरह का ये जो अपराध है वो घटित किया जा रहा था, जिसको समय पर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से इसको पकड़ा गया है। और इसको कहाँ से ला रहे थे और कहाँ ये ले जाने वाले थे, इस बिंदु पर जांच अभी जारी है। बेसिकली ये जो जहाँ से हमको मुखबिरी जैसे प्राप्त हुई है उसके तहत ये करीबन इसकी 30 लाख के आसपास की डीलिंग की जानकारी चल रही थी और इसी प्रयास में ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को प्राप्त हुई और उसके तहत इसको इसके साथ जो दो मुहा सांप है, रेड सैंड बोआ है, उसके साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। दो
फॉरेस्ट के साथ किया है। इसमें इसमें एक्चुअली फॉरेस्ट की टीम को हमने इसमें साथ में बुला लिया था और इसको चंदन नगर इलाके से इस व्यक्ति को पकड़ा गया है और इसमें जो वन्य प्राणी अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत इसमें फॉरेस्ट विभाग के समन्वय से आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में किसी को देने आया था या किसको दे रहा था? बेसिकली कुछ जगहों पर इसके डील करने की जानकारी प्राप्त हो रही थी कि इसको बेचने का प्रयास कर रहा है। जी बेसिकली अभी इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा, अभी रिकॉर्ड परीक्षण कर रहे हैं अभी ये, पर इस तरह के पहले कुछ इंसिडेंट्स यहाँ इंदौर में और इनफैक्ट ये खडवा में भी अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले ये इस तरह का केस पकड़ा गया था जिसमें एक इंदौर का व्यक्ति उसमें गिरफ्तार हुआ था उस अपराध में भी। तो यहाँ डेफिनेटली इसको इंदौर से रूट करने की बेसिकली जो बात है वो सामने आ रही है। इसमें बेसिकली सारे लिंकेजेस पे वर्कआउट किया जाएगा क्योंकि डेफिनेटली ये जिन लोगों से डीलिंग हो रही थी उसमें हमारे टेक्निकल सर्विलेंस का भी हम मदद लेंगे। मैडम और किसी प्रकार की दुर्लभ प्रजाति के बारे में कोई जानकारी मिली है धुमुआ सांप के अलावा और कोई इन्होंने ऐसा? अभी फिलहाल तो इसी की जानकारी मिली है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक तरह से आप अगर यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च करेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये कहना चाहिए कि प्रजाति है या चैनल है जिसके माध्यम से इसकी तस्करी की जाती है। अभी इसके लिंकेजेस वर्कआउट किए जा रहे हैं, अभी फिलहाल एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, किसी और का भी इसमें संलिप्तता सामने आएगी तो इसमें आगे वर्कआउट उसमें किया जाए। ये वैल्यू है, ये 1 करोड़ बता रहे हैं, अंदाज से है कि ये किसी से आपने देखा? ये बेसिकली नहीं, बेसिकली क्या होता है कि ये एक से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ, नेचुरली अगर मैंने 10 लाख में खरीदा है तो मैं उसको आगे बढ़ा करके 20 लाख में बेचने का प्रयास करूँगी, तो ये बेसिकली एक से दूसरे हाथ इसका वैल्यूएशन बढ़ता जाता है। ये अभी कहाँ से लेकर के आया इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है, पर ये मोस्टली जंगलों में कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ ये इस तरह के सांप पाए जाते हैं और काफ़ी इंटीरियर में जंगलों में पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली इसके बैकवर्ड लिंकेजेस भी हैं जिस जहाँ से ये लेकर के आए होंगे और जिन हाथों से आगे इसमें बीच में ट्रैवल भी हुआ होगा, मतलब एक से दूसरे। ये यहाँ बेचने का प्रयास कर रहा था, कुछ लोगों से संपर्क कर रहा था जिसके तहत हमको जानकारी प्राप्त हुई। हाल ही में ऐसे बहुत मामले आए पिछले 2-3 महीने में जहाँ इस तरह के एंडेंजर्ड स्पीशीज में भी कछुए को भी पकड़ा था हम लोगों ने, तो क्या इस तरह कोई एसटीएम बनाने का प्रावधान है क्या जिसमें इस प्रकार के जानकार वाले मामलों के? इसमें मुख्यतः वैसे फॉरेस्ट की तरफ से जो स्पेशल टीम्स होती हैं जो वन्य जीव संरक्षण में काम करती हैं उनकी अपनी टीम्स काम करती हैं और इसमें हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके जब उनको सहयोग की आवश्यकता होती है तो पुलिस विभाग उपलब्ध कराता है और पुलिस को जब आवश्यकता होती है तो फॉरेस्ट इसमें समन्वय करता है। तो बेसिकली ये वैसे जो टास्क फोर्स है ये फॉरेस्ट वन विभाग के तहत बना हुआ है और कभी भी इस तरह की कोई बात होती है तो हम आपस में कोऑर्डिनेशन से बात। प्रोफाइल अभी पूरा सब निकाल रहे हैं, डोजियर बना रहे हैं, उसको हम देख लेंगे, इस हो सकता है इससे कहीं लिंक ना हो, देख लेंगे। अच्छा वो डायरेक्शन ऐसा गोली मार दी थी छिपड़ा के अंदर।